स्वदेशी जागरण मंच ने वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के विलय को अनैतिक और गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इसे तुरंत प्रभाव से रोकने और इसकी जांच की जानी चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच के हमीरपुर में हुई शिविर के उपरांत मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा कि वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का जो 1,50,000 का गैर कानूनी सौदा हुआ है वो देश के लिए अहितकारी होगा तथा सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच ने देशव्यापी अभियान चलाया है कि हमें रोजगार बढ़ाना है तो स्वरोजगार अपनाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनाना इस मंच का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष देश में 1,25,000,000 लोग बेरोजगारी की सूची में आ रहे हैं, उनको हमारे देश का मॉडल रोजगार दे सकता है। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। स्वदेशी जागरण मंच में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है कि हम रोजगार अगर बढ़ाना है तो स्वरोजगार की ओर जाना पड़ेगा और हम जॉब सीकर न बने, जॉब प्रोवाइडर बने और ऐसे लोग जो सफल हुए हैं उनका सबके सामने आदर्श रखना और ये जो 1,25,000,000 नौजवान हमारी बेरोजगारों की लाइन में आ जाते हैं, भारतीय मॉडल सबको रोजगार दे सकता है। दूसरा विषय जो फ्लिपकार्ट का और वॉलमार्ट का जो मर्जर हुआ है, हमको लगता है ये अनैतिक भी है, ये गैर कानूनी भी है और देश के लिए भी बड़ा अहितकर होगा। सरकार को इसमें दखल दे करके ये जो अव्यवहारिक सा गैर कानूनी सा मर्जर हो रहा है और जो 1,05,000,000,000 रुपए का जो सौदा फ्लिपकार्ट स्वदेशी कंपनी का वॉलमार्ट से हुआ है, सरकार को इसको रोकना चाहिए।